الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم أقوام من بعدي إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحجوهم وعلموهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے اس پروگرام کے صدر صاحب، اپستھت علماء کرام، ڈبروگڑھ ٹاؤن और चावल खवा और इसके आसपास से आए हुए मेहमानाने मोहतरम और मेरे अजीज तलबा और असातिज़ाए किराम, आज कोई जलसा नहीं है, वार्षिक या शशमानी या क्वार्टरली कोई प्रोग्राम नहीं, बल्कि आज अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। मदरसे के शेखुल हदीस साहब ने बतला दिया, पूरे दो साल तक तालीम का, पढ़ाई का जो सिलसिला बंद था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला फिर दोबारा लॉकडाउन का ज़माना ना लाए और अल्लाह ताला ने जिस बीमारी से पूरी दुनिया और दुनिया के लोगों को छुटकारा दिया, अल्लाह ताला इसी तरह और तमाम बीमारियों से सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। आज के इस बैठक में मुझे तीन बातें कहनी हैं। एक बात तो ये जो हमारे सामने स्टूडेंट है, छात्रों है, तलबा है, इनके बारे में, और एक बात आप मेहमानान किराम, गार्जियन हजरात, आसपास के मदरसे के खैरख्वाह और रात दिन मदरसे का ख्याल रखने वाले आप लोगों से एक बात कहनी है। हमारे ये जो अज़ीज़ तलबा है, इनसे तो मुझे ये कहना है कि बच्चों, अल्लाह का तुम पर ख़ास करम है, एहसान है, अल्लाह ने तुम पर माया किया कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को दारुल उलूम चावल खुआ में भेजा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सुबह जब सोकर उठते हैं तो अपने हाथ में मोबाइल लेकर गाना सुनते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, गलत सलत काम करते हैं। कोई सुबह जब सोकर उठता है तो उसके हाथ में शिखर का, तंबाकू का पुड़िया होता है और ना जाने क्या क्या होता है। तुम लोग कितने अच्छे बच्चे हो कि सुबह जब सोकर उठते हो, तुम्हारे उस्ताद जब तुमको नींद से जगाते हैं
तो तुम अल्लाह का नाम लेते हो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह का नाम लेते हो, दुआ पढ़ते हो, वज़ू इस्तिंजा से फारिग होते हो और अपने पैदा करने वाले अपने खालिक मालिक को राज़ी करने के लिए मस्जिद में पहुंचते हो जबकि पूरी दुनिया के लोग सोए रहते हैं। जब तक तुम लोग अल्लाह को खुश करते रहोगे, अल्लाह को राज़ी करते रहोगे, तुम लोगों की नमाज और तुम लोगों की दुआ से इंशाअल्लाह उन लोगों की भी मुसीबत दूर होगी जो बेचारे नमाज में नहीं आ रहे हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े स्टूडेंट और शागिर्द थे। वो रात रात भर सोते नहीं थे, रात रात भर सोते नहीं थे, अल्लाह की इबादत करते थे, किताबें पढ़ते थे। किसी ने उनसे कहा कि आप भी आराम कर लिया कीजिए, आप भी रेस्ट ले लिया कीजिए, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि पूरी कौम मेरे ऊपर भरोसा करके और वो सो रही है, अगर मैं भी सो जाऊंगा तो कौम का क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम फजर की नमाज़ पढ़ते हो, फजर की नमाज़ के बाद कुरान की तिलावत करते हो, दौरे हदीस में पढ़ने वाले फजर की नमाज़ के बाद बारह तस्बीह करते हैं और उसके बाद हदीस की किताब लेकर और अपने क्लासरूम में पहुंचते हैं। याद रखो, ख़ास करके हदीस पढ़ने वाले अरबी हफ्तुम और दौरे के जो स्टूडेंट हैं, शेखुल हदीस साहब ने बतलाया कि अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हदीस में 12 बच्चे हैं। अच्छी तरह मुझे याद है, मैं जिस साल हुजाई में आया था 98 में, उससे कई साल पहले 75 या 76 में जलालिया में दौरे हदीस की पढ़ाई शुरू हो गई थी। उसके 20-22 साल, करीब 25 साल के बाद मैं जलालिया में आया। 25 साल के बाद जब मैं जलालिया आया था तो उस टाइम में, उस साल में दौरे हदीस पढ़ने वाले 8 या 9 बच्चे थे, सिर्फ 8 या 9 बच्चे थे। और आपके यहाँ एक साल दौरे हदीस की पढ़ाई हुई, बीच में 2 साल लॉकडाउन में चला गया और समझ लीजिए कि ये दूसरा साल है जिसमें हदीस की, दौरे हदीस की पढ़ाई हो रही है। दूसरे साल में आपके यहाँ जो के ऐसे इलाके में मदरसा है जिस इलाके के लोकल लोग, हमारे महताब सर अभी थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे फजर के बाद, वो बतला रहे थे कि आम तौर पे आसामीज जो इलाके के लोग हैं, आसामीज जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाना चाहता ही नहीं, एकदम नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह तौफीक दे, नहीं चाहते हैं। इसके बाद भी आपके मदरसे में दूसरे ही साल में दौरे हदीस में 12 स्टूडेंट हैं। अब दौरे हदीस में टोटल क्लास कितना होता है? कम से कम 8 पीरियड होता है, कहीं 9 पीरियड, कहीं 8 पीरियड। मैंने सुबह यहाँ का रूटीन देखा तो इस मदरसे के रूटीन में दौरे हदीस वालों का 8 पीरियड है और वो सब के सब हदीस ही का पीरियड है। अब एक पीरियड में अगर कम से कम 10 हदीस भी पढ़ाया जाए तो 8 पीरियड में कम से कम 80 हदीस पढ़ाया जाता है और 80 हदीस में कम से कम 400-500 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। 400-500 मरतबा सिर्फ पीरियड के दौरान, पढ़ाने के टाइम में इतनी मरतबा, एक महीने के बाद और ज़्यादा पढ़ाई होगी तो 1000, 2000, 5000 डेली के डेली
हदीस पढ़ाते हुए दुरूद शरीफ पाठ किया जाएगा, दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। हिफ्ज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिफ्ज में पढ़ने वाले बच्चे रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जिस इलाके में हदीस की पढ़ाई होगी, जिस इलाके में दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, जिस गांव समाज में कुरान की तिलावत होगी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि कम से कम एक फायदा तो ज़रूर होगा कि जहां कुरान सेहत के साथ बिल्कुल सही सही जहां कुरान पढ़ा जाएगा, वहां खाने पीने का अभाव नहीं आएगा, अभाव नहीं आएगा। तो इंशाअल्लाह तंगी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, और अल्लाह ताला आप लोगों के व्यवसाय में, बिजनेस में, चाकरी में, खाने पीने में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। 1,000, 2,000, 5,000 मर्तबा जहां दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, एक दुरूद पढ़ने की फजीलत 10 नेकी मिलती है, 10 गुना माफ होता है, 10 दर्जा बुलंद होता है, कई तरह की परेशानियां, आफतें, मुसीबतें दूर होती है। जब मुसीबत दूर होगी तो खाली मदरसे से मुसीबत दूर नहीं होगी, मदरसे के आसपास, मदरसे से संपर्क ताल्लुक रखने वाले, मदरसे में दान खैरात करने वाले, मदरसे के स्टूडेंट, छात्रों, तलबा की जरूरत को पूरी करने वाले, अल्लाह ताला उनकी भी मुसीबत को, आफत विपत को दूर करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो मदरसे हैं, ये बड़े बहुत ही खैर की जगह है, और यही चीज हमारे कुछ दुश्मन को खटकती है कि मदरसे को कैसे ख़त्म कर दिया जाए, कैसे ख़त्म कर दिया जाए। और कभी कभी हम लोग चूँकि रात दिन मीडिया पर हमारी नज़र, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न वाला मीडिया हो, जैसा भी हो, हम और आप उस पर पूरा विश्वास करते हैं। एक झूठ बात को भी अगर बार बार कहा जाए तो वो झूठ बात भी कभी सच लगने लगती है। एक आदमी या इलाके के 10-20 आदमी जिन्होंने कभी मदरसे को नहीं देखा, मदरसे में आकर मदरसे के एक्टिविटीज़ को, यहाँ की सरगर्मी को नहीं देखा, वो भी मीडिया की बात को सुनकर, कुछ लोगों की बात को सुनकर, और वो भी मुतासिर हो जाता है, और वो भी ये आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगता है कि मदरसे से क्या फ़ायदा होता है, मदरसे में पढ़ने से ना तो इंजीनियर मिलेगा, ना डॉक्टर मिलेगा, मदरसे में पढ़ने से न तो कोई आईएएस ऑफिसर मिलेगा, न हमारा बच्चा कभी डीसी बन सकेगा, न डीएम बन सकेगा। मेरे भाइयों, ये ख्याल दिल में आना बिल्कुल अच्छा है, ये तो कौम के साथ मोहब्बत है इसलिए ये ख्याल आता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सोच लिया करे कि मदरसे में पढ़ने वाले मुश्किल से 3 या 4% हमारे मुसलमानों के बच्चे हैं, बाकी 96-97% बच्चे वो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, आप ओसी बनाना चाहते हैं, दारोगा बनाना चाहते हैं, अल्लाह के वास्ते ये सोच और ये ख्याल 96-97% बच्चों के लिए कीजिए, अल्लाह आपके ख्याल में बरकत दे। और ये जो 2%, 3% बच्चे, गरीबों के बच्चे मदरसे में आकर पढ़ते हैं, इनको कम से कम आलिम हाफिज बनने दीजिए, इनको आलिम हाफिज बनने दीजिए। यही आलिम हाफिज बनेंगे तो बच्चा पैदा होगा, कान में जाकर अजान यही देगा, बच्चे की शादी होगी, निकाह यही पढ़ाएगा, बच्चे की बाद में बूढ़े हो जाएंगे, मौत हो जाएगी, जनाजे की नमाज यही पढ़ाएगा। हम और आप इन चीज़ों को मामूली समझते हैं। अचानक मुझे याद आया, हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने एक मर्तबा हमारे जलालिया मदरसे में अपना पर्सनल एक घटना सुनाया कि वो फ्लाइट से बिजनेस के परपोज़ में शायद वो दुबई जा रहे थे या कहीं भी गल्फ कंट्री का सफ़र कर रहे थे। उनके बगल में एक आदमी था,
एक साथ में एक दो सीट पर बैठे हुए थे। एक आध घंटे के बाद आपस में बातचीत शुरू हुई तो उस आदमी ने कहा कि सर आपके चेहरे पर दाढ़ी है, टोपी है, तो आप मुसलमान हैं? कहा मैं मुसलमान हूँ। तो क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। तो आपने पढ़ाई कहाँ किया, आपका एडुकेशन और सिक्का क्या है, आपके पास डिग्री क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैंने दारुल देवबंद से पढ़ाई किया और मैं मौलाना हूँ, मैंने किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में नहीं पढ़ा। आप मौलाना हैं और इतना बड़ा बिजनेस करते हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में उसका जब इंट्रोडक्शन मालूम, उनका जब तारुफ और परिचय लिया तो उस आदमी ने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। कहा पीएचडी जब कर रहे हैं तो आप किस टॉपिक और किस मौजू पर पीएचडी कर रहे हैं? कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक गैर मुस्लिम आदमी हूँ और मैं पीएचडी का जो मेरा टॉपिक है वो मोहम्मद साहब की सुन्नत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अरे आप एक हिंदू आदमी हैं और आपने इस मौजू पर, इस टॉपिक पर पीएचडी करना शुरू किया, इसका मतलब है कि आपने इस्लामिक किताबें बहुत पढ़ी होगी। कहाँ, मैंने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी। मौलाना बदरुद्दीन ने उनसे पूछा कि जब इतनी किताबें तुमने पढ़ी तो इस्लाम की कोई बात तुमको अच्छी लगी या नहीं लगी, इस्लाम की कोई बात तुमको अच्छी लगी? उन्होंने कहा बहुत सारी बात अच्छी लगी। का कोई एक उदाहरण मिसाल देकर तो बताओ। कहा कि मैं चिंता ये करता था, उस गैर मुस्लिम आदमी ने कहा, मेरा टेंशन और चिंता ये होता था कि बहुत मर्तबा एक नौजवान हिंदू लड़का एक नौजवान मुसलमान लड़की से लव करता है, दोनों का दिल मिल जाता है, शादी कर लेता है, वो लड़की है वो इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू नहीं बनती, ये लड़का है जो खाता है, कमाता है, बड़े घराने का है, ये लड़की के साथ शादी करने से पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। लड़की हिंदू नहीं बनती लेकिन हिंदू मुसलमान बन जाता है। मैं बड़ा चिंता करता था, सोचता था कि ऐसा क्यों होता, इसका उल्टा क्यों नहीं होता। तो मैंने जब इस्लामिक किताबों को पढ़ा तो मैं इस रिजल्ट और नतीजे पर पहुंचा कि असल में आप लोगों के यहाँ छोटी छोटी बातें जो बच्चों को सिखाई जाती है और उस पर जो बचपन से अमल कराया जाता है, वो बातें उसके दिल और दिमाग में इतना मजबूत हो जाती है और इतना पुख्ता हो जाती है कि बड़ा होने के बाद भी वही बातें उनको याद रहती है। उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा कि मैंने आपकी किताबों में पढ़ा कि जब बच्चा पैदा होता है तो चाहे घर में पैदा हो, हॉस्पिटल में पैदा हो, पैदा होने के बाद सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि किसी मौलवी को बुलाकर लाया जाएगा और वो बच्चा के दाएं कान में अजान देगा और बाएं कान में तकबीर कहेगा। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ और सबसे पहली बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की उसके कान में पड़ रही है तो समझ लीजिए कि ईमान उसके दिल में बिल्कुल पक्का हो गया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, ये कहाँ में मिलेगी? ये मदरसों में पढ़ने के बाद और मदरसों में पढ़ाने के बाद। इसका ये मतलब नहीं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जनरल सब्जेक्ट, स्कूल कॉलेज का सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, हमारे जो अकाबिर है, हमारे जो बड़े हैं, वो हजरात इसका ख्याल भी रखते हैं, कर भी रहे हैं। अभी कल मंगलवार था, 14 तारीख जून की, हमारे और आपके पूरे आसाम के मदरसों का जो बोर्ड है तंजीमुल मदारिस, उसका जो हेड ऑफिस नील बागान में है, वहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट के उलमा का एक कल मीटिंग हुई और उसमें ये रेजुलेशन पास किया गया कि जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से
एक ओपन स्कूल का निज़ाम और सिस्टम शुरू किया गया है कि बच्चा चाहे मदरसा में पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, उसके साथ साथ में हफ्ता में वीकली एक दिन उसको स्कूल का कोर्स पढ़ना है। कोई एक टीचर आएगा, मदरसे में फ्राइडे को छुट्टी होती है, फ्राइडे को क्लास लिया जाएगा और पूरा साल क्लास लेकर फिर उसके बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम उसको दिलाया जाएगा। सरकार के यहाँ से बाकायदा ये अप्रूव है, सरकार के यहाँ से ये मंजूर है। जमीयत ओपन स्कूल ये इंशाल्लाह पहले जो दिल्ली यूपी वगैरह में चला करता था, अब हमारे और आपके आसाम में भी इसको शुरू किया जा रहा है। आपके चावल खुआ मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हफ्तुम में है पंजुम में है, इन बच्चों को भी इंशाल्लाह मैट्रिक में शरीक होकर और मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर इनको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मैट्रिक करने के बाद इधर आदमियत का मौलाना का कोर्स पूरा करेंगे, उधर मैट्रिक का कोर्स पूरा हो जाएगा। और अगर मैट्रिक को बोर्ड से निकाल दिया जाए, 12वीं को बोर्ड में लाया जाएगा, तो आलिम बनते बनते हायर सेकेंडरी का एग्जाम भी वो दे देगा। उसके बाद वो चाहे तो ग्रेजुएशन करे स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, और अगर वो चाहे तो आगे मुफ्ती साहब बने, मौलाना साहब बने, कारी साहब बने। गोया के उसके लिए बिल्कुल दुनिया खुली हुई है। इसलिए मेरे अजीज बच्चों, आप लोग मदरसे में पढ़ने के लिए आए हो, बहुत खुशकिस्मत हो, दीन की भी तालीम और दीन का भी इल्म हासिल कर रहे हो और उसके साथ साथ इंशाल्लाह स्कूल की भी तालीम और स्कूल की पढ़ाई का भी तुम लोगों के लिए नज्म और इंतज़ाम हो रहा है, किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप हजरात से जो आज हमारे दारुलूम चावल कुआं के मेहमान हैं और जिनको यहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने दावत देकर बुलाया और आप हजरात ने अपना कीमती वक्त निकाल कर और यहाँ आप हजरात आए हैं, इसके लिए मैंने एक हदीस पढ़ी और वो हदीस इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके शागिर्द थे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। रिवायत थोड़ी सी लंबी है, आप हजरात दो चार मिनट जरा तवज्जो से सुनिए। पान खाना है खा लीजिए, नहीं तो सिगरेटी साहब पान को हटाइए यहाँ से। हदीस यह है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार थे, उनके शागिर्द अपने उस्ताद और टीचर की बीमार कुर्सी के लिए इयादत के लिए उनके घर में आए। उनका रूम छोटा था और उनके स्टूडेंट की तादाद क्वांटिटी कुछ ज़्यादा थी। जब वो लोग रूम में आए तो रूम में जगह कम पड़ गई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पैर को समेट लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रूम के अंदर आ सके। बाद में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे जो उस्ताद और टीचर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बीमार पड़े थे और हम उनके स्टूडेंट थे, हम उनको देखने के लिए गए, इयादत के लिए गए। जब हम लोग उनके घर पे गए तो उनका रूम भी छोटा था और हमारी तादाद ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा हो गए, जगह कम पड़ गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जगह थोड़ा बढ़ाने के लिए अपने पैर को समेट लिया ताकि आने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का मौका मिल जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त फरमाया था कि मेरे जो उस्ताद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बीमार पड़े थे और हम उनके शागिर्द और स्टूडेंट उनको देखने के लिए गए। जब उनके कमरे में गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा भी छोटा था और इयादत करने के लिए जो लोग पहुंचे थे उनकी संख्या और उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद ज़्यादा थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आने वाले लोग ज़्यादा हैं और मेरे कमरे में जगह कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चित लेटे हुए थे, आप पहलू के बल यानी करवट हो गए, आपने अपने पैर वगैरह को भी समेट लिया होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह निकल जाए और कमरे में ज़्यादा लोगों को बैठने का चांस और मौका मिल जाए।
ये तो बात थी हदीस की, एक हिस्सा हदीस का, वो हिस्सा जो मुझको बयान करना है असल में वो आगे है। सहाबे किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आए हैं, बीमारी की हालत में हैं, बीमार की खबर लेने आए हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि मैं बीमार हूँ, तुम लोग मुझको देखने के लिए आए हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम मेरे लिए ये दवाई लेकर आओ, बीमार को देखने के लिए आने से ये सवाब मिलता है, ये नेकी मिलती है। लेकिन ये सब कोई बात आपने बयान नहीं की, बल्कि मेरे चावल खोआ डिब्रूगढ़ लाहौल के साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोग यहाँ आए हैं, आपके लिए हाल में जगह निकाली गई, आपके लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया, और उसके बाद मुझे जो आप लोगों को मैसेज देना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो मैसेज जो उन्होंने अपने सहाबा को दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु सयातीकुम मिन बादी अक्वाम, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरा और ज़्यादा वक्त नहीं है इस दुनिया में रहने का, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम लोग टीचर बन जाओगे, तुम उस्ताद बन जाओगे, तुम शिक्षक बन जाओगे, दूर दूर से लोग स्टूडेंट तुम्हारे पास शिक्षा लेने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, हो सकता है इंडिया से आए, हो सकता है चाइना से आए, हो सकता है अफ्रीका से, यमन से, बहरीन से, कुवैत से लोग आए। इन्नहु सयातीकुम मिन बादी अक्वाम, मेरे बाद तुम्हारे पास लोग आएंगे, किस लिए आएंगे, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, यतलुबून अल इल्म, इल्म हासिल करने के लिए आएंगे, शिक्षा ले, खामोश, शिक्षा हासिल करने के लिए आएंगे। अब वो जो बच्चे और वो स्टूडेंट तुम्हारे पास आएंगे, मेरे सहाबे किराम, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम तीन काम करना, चावल खोआ के साथियों, लाहौल के दोस्तों, डिब्रूगढ़ के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, तीन काम करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नंबर एक, फरहिबू बिहिम, जब तुम्हारे यहाँ दूर दराज से पढ़ने वाले तलबा आए, हो सकता है चावल खुआ का मदरसा है, चावल खुआ का बच्चा मदरसा पढ़ने के लिए जयनगर जाएगा, चावल खुआ का बच्चा मदरसा पढ़ने के लिए हो सकता है जलालिया हुजाई जाएगा, यहाँ रहकर वो नहीं पढ़ सकता, मदरसे में रहेगा, घर जाएगा, घर में कुछ होगा, फिर उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, पढ़ना मुश्किल होगा, दूर में रहेगा, घर की छोटी छोटी बातों का इल्म नहीं होगा, वो यहाँ से पढ़ने के लिए वहां जाएंगे, वहां के बच्चे तुम्हारे यहाँ आएंगे, धोबड़ी के बच्चे हो सकता है तुम्हारे यहाँ आए, ग्वालपाड़ा लखीमपुर के बच्चे, मंगलदोई के बच्चे हो सकता है तुम्हारे यहां तालीम और शिक्षा लेने के लिए आए। अब तुम क्या करो, अपना गेट बंद कर दो कि ये मदरसा चावल कुआं का है, दान खैरात हम लोग करते हैं, सदका जकात हम लोग देते हैं, लिहाजा हमारा पैसा हमारे गांव समाज के बच्चों पर खर्च होगा, दुबड़ी के बच्चे पर, ग्वालपाड़ा के बच्चे पर हम क्यों खर्च करेंगे? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरहिबू बिहिम, दूर दराज से तुम्हारे यहाँ इल्म हासिल करने आएंगे, तुम उनको वेलकम कहो। तरहीब के माने आता है खुश आमदेद कहना, स्वागतम जनाना, वेलकम कहना, तुम कहो कि तुम्हारा आना मुबारक हो, मैं तुमको वेलकम कहता हूँ, मैं तुमको स्वागतम जनाता हूँ, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, तुम इल्म हासिल करने के लिए आयो, आ जाओ, मैं तुमको अपने गले से लगाऊंगा। फरहिबू बिहिम, तुम उनको वेलकम कहो। वहय्यूहुम, तुम उनको सलाम करो, वो चूंकि वारिसीने नबी है, नबी के वारिस है, इल्म हासिल करने वाला, हदीस में आया जब किसी रास्ते से गुजरता है तो चिड़िया तो चिड़िया, इंसान तो इंसान, अल्लाह की सबसे नेक मखलूक फरिश्ता, वो फरिश्ते भी अपना पर बिछा देते हैं, अपना डखना बिछा देते हैं, और तालिबे इल्म से, मदरसे के स्टूडेंट से ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपना पंख, अपना डखना बिछा दिया,
तुम मेरे पंख के ऊपर चलो, मेरे पर के ऊपर चलो। मछलियां पानी में, जर्रे खाक में, बरगो शजर नेक आलिम को दुआ देती है हर शामो सहर। दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, इनके लिए दुआएं करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको स्वागतम जनाओ, उनको वेलकम कहो, उनको सलाम करो, उनको अपने सीने से लगाओ। वअल्लिमूहुम, और उनके लिए अच्छी तालीम का, अच्छे शिक्षा का और अच्छा एडुकेशन का इंतज़ाम करो। माशाल्लाह आप हजरात इन तीनों बातों पर अमल कर रहे हैं। लॉकडाउन में 2 साल मदरसा बंद रहा, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये मदरसा अब दोबारा खुलेगा या नहीं खुलेगा, लोग इस पर तवज्जो देंगे, ख्याल करेंगे या नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ हर हर क्लास में बच्चे हैं, और इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं कि आसानी से क्लास चल सकता है, चल रहा है। आप लोगों ने तमाम टीचर्स का वेतन भी बढ़ा दिया, अच्छे मुहद्दिस का भी इंतजाम कर दिया, पढ़ाई के लिए किताबों का भी इंतजाम किया, अच्छा से अच्छा खाने पीने का इंतजाम किया। आप लोगों ने अपने दिल को बड़ा किया, अपने सीने को कुशादा किया। हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि जैसे आपने आने वाले मेहमानों के लिए अपने दिल को बड़ा किया है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके व्यवसाय को, आपके बिजनेस को भी अल्लाह बड़ा कर दे, आपके इनकम के सोर्स को भी बढ़ा दे, और आपका जो ताल्लुक है मदरसे के साथ अल्लाह इसको भी कबूल कर दे, इसको भी कबूल कर ले। दूसरी बात ये थी। लिहाजा मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आसपास से आए हुए मेरे मेहमानों, ये इदारा आपका है, ये इदारा हमारा है। और ये भी यकीन रखिए, ये भी यकीन रखिए, अगर हम और आप इस इदारे में अपनी रकम और अपना माल नहीं खर्च करेंगे, अल्लाह का इदारा है, बंद नहीं होगा, अल्लाह इसका इंतज़ाम करेगा। कहाँ से करेगा ये अल्लाह ही जानता है। खाने काबा को गिराने के लिए यमन का बादशाह आया, मक्का वालों ने कहा अल्लाह हमसे नहीं होगा। आप समझ लो, अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक को भेज दिया, अबाबील को, और उस अबाबील परिंदे ने यमन के बादशाह को और उसके फौज को, उसके टीम को, लश्कर को हलाक व बर्बाद कर दिया। ये इदारा है, ये अल्लाह का इदारा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इदारा है। ये इदारा चलेगा, हमारे और आपकी खुशकिस्मती ये होगी, हमारे और आपके लिए अच्छा चांस और मौका ये होगा कि अल्लाह ने हमको जितना दिया है उसी में से कुछ, जितना अल्लाह तौफीक दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपना दान खैरात सदका ज़कात अपने इस इदारे में खर्च करें। अल्लाह इसका बदला आपको दुनिया में भी देगा और मरने के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा। एक मर्तबा हैदराबाद के एक नवाब ने दारुल देवबंद वालों से कहा कि तुम अपने मदरसे से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे से निकाल दो। वो हैदराबाद का नवाब था, लाखों रुपया देता था दारुलूम में। कहा तुम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को निकाल दो, नहीं तो हम मदरसे की मदद करना, मदरसे में पैसा देना बंद कर देंगे। दारुलूम देवबंद के लोग परेशान हो गए कि इतनी बड़ी मदद आती है, इतनी बड़ी रकम आती है, अगर बंद हो जाएगा तो मदरसा कैसे चलेगा। गरीबी गुर्बत का वो ज़माना था। सब लोगों ने बैठकर मशवरा किया और बाद में उस नवाब को जवाब दिया गया कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी को निकाल दूं तो आप खुश, नहीं निकाले तो आप मदद करना बंद कर देंगे। नवाब साहब आप मदद करना बंद कर दीजिए, और अब तक आपने जितनी मदद किया है हिसाब आप हमको दीजिए, सारा पैसा हम आपका रिटर्न करके दे देंगे। लेकिन दारुल देवबंद से मौलाना हुसैन अहमद मदनी को निकाला नहीं जाएगा। लाखों रुपये देते थे, टुकरा दिया, दारुल बंद हो गया, नहीं बंद हुआ। अल्लाह ताला तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की दे रहा है। अल्लाह का काम रुकता नहीं। ज़रूरत है उस बात की जो मेरी बात आखिरी बात आपसे होगी।
और वही बात बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। हजरत शेख उल हदीस साहब ने अपने 12 स्टूडेंट को वो हदीस पढ़ा दिया होगा या पढ़ा देंगे। पहली हदीस हदीसे नियत, हदीसे नियत, इन्नमल आमाल बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का मदार नियत पर है। आप अगर नियत को सही रखते हैं, आपकी नियत अगर सही है, इंशाल्लाह दुनिया में भी आपको आपकी नियत के मुताबिक सवाब और बदला मिलेगा, और आखिरत में भी आपकी नियत पर आपको सवाब और बदला मिलेगा। आप मदरसे में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नियत करके आए हैं कि 2 साल के बाद ये नूरानी माहौल मिलेगा, 2 साल के बाद नूरानी महफिल मिलेगी, हम जा रहे हैं नूरानी महफिल में शिरकत करेंगे, दुआएं होंगी, अल्लाह के रसूल के वारिस को देखेंगे, मेहमानाने रसूल को मासूम बच्चों को देखेंगे और इन बच्चे की दुआ में शरीक होकर आमीन कहेंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी ज़रूरत को भी पूरा करेगा। किसी के रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, वो इस नीयत से आ सकते हैं कि हमारे रिश्तेदार अल्लाह के पास पहुंच गए, बच्चों के साथ बैठेंगे, बच्चों से दरख्वास्त करेंगे कि बच्चों तुम दुआएं करो, हमारे रिश्तेदार को अल्लाह बिला हिसाब व किताब जन्नत में दे दे। जब ये छोटे छोटे बच्चे इल्म हासिल करने वाले, कुरान और हदीस का सिक्का हासिल करने वाले, जब ये अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ताला इनकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप हजरात अपना माल खर्च करते हैं, आप हजरात दान खैरात इस मदरसे को देते हैं। मेरे नौजवान साथियों, यहाँ एक नई परेशानी जो आई, दारुल देवबंद वाले ने ऐलान निकाला, हमारा हुजाई जलालिया मदरसा और भी जो बड़े बड़े मदरसे हैं सब ने इस पर चिंता करना शुरू किया है। हो सकता है कि आप लोगों को भी खबर मिल गई हो, करीब 1 साल पहले इंडिया की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया और उस कानून का सही उद्देश्य क्या है वो तो वो जाने, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट मदरसों के मुखालिफ और ख़िलाफ़ है, इसलिए हम लोगों को दिल में शक शुबा होता है, ऐसा लगता है कि इस कानून का असल मकसद है कि किसी तरह से मदरसा बंद हो जाए। कानून क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, पढ़ लेंगे। कानून ये है कि अगर कोई कहीं पर डोनेशन कर रहा है, चंदा दे रहा है, जैसे दारुल चावल कुआं है, किसी आदमी ने अगर आपके मदरसे में 1,000 भी चंदा दिया तो उसका KYC जो बैंक में दिया जाता है, यानी उसका जो एक प्रूफ, कोई ना कोई ID प्रूफ आपको लेना पड़ेगा। ये 1,000 रुपये किसने आपको चंदा दिया, ये अब यूं ही फॉल्स कहने से कि अब्दुल्ला ने दिया, कहाँ कराने वाला है तो DCOM कराने वाला है, अब्दुल रहमान ने दिया, कहाँ कराने वाला है लाहौल कर, ये कहने से काम नहीं चलेगा। बल्कि जिसने चंदा दिया उसका डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, और बाज़ाब्ता हो सकता है गवर्नमेंट के लोग उस एड्रेस पर और उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक उस घर पर पहुंचेगा और पहुंच कर ये पूछ भी सकता है कि क्या तुमने दारुल चावल कुआं में 1,000 चंदा दिया था। अगर उसने कहा नहीं तो मदरसे वाले के पास आकर फिर इसकी बात पुरस होगी, गिरफ्त होगी। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने दारुल चावल कुआं के लिए 5,000 डोनेशन किया, 5,000 हमने ज़कात दिया, ज़कात का माल दिया, हम अपने घर के 2-3 आदमी का डॉक्यूमेंट दे दें, नहीं देंगे या तो मदरसे वाले फंसेंगे, और या फिर मदरसा वाला अगर आपका एड्रेस बता दे तो बाद में आपको परेशानी आ सकती है। मदरसा चलना है, मदरसा बंद इंशाल्लाह नहीं होना है, मस्जिद चलना है, बिल्कुल बंद नहीं होना है, लेकिन गवर्नमेंट की इस साजिश से, षड्यंत्र से अपने आप को बचाने के लिए हमने अपने घर का 2-3 डॉक्यूमेंट दे दिया। अगर बाई चांस बैंक, ये गवर्नमेंट का कोई आदमी हमसे पूछने के लिए हमारे घर पे आता है, हमने कहा कि जी हाँ हमारे गांव का मदरसा है, हमारे इलाका का मदरसा है, ये देखिए हमने मदरसे के लिए एक बक्सा घर में रखा है, हर दिन 10-20 रुपये
इसमें जमा करते हैं, महीने का हम 500 रुपये मदरसे को देते हैं, साल का 6000 होगा, हम 6000 देते हैं, हमारी वाइफ 6000 देती है, हमारा बेटा जो कि रोजगार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो भी 6000 देता है, साल में हम 20000 मदरसे को देते हैं। अब ये अमाउंट छोटा करके आपने बता दिया, इंशाल्लाह आपको भी परेशानी नहीं आएगी। आपने छोटा करके बताया और एक घर से अगर 20000 का हिसाब मदरसे को मिल गया, बाय चांस अगर किसी ने 1,00,000 रुपए भी दे दिया था, तो ना तो देने वाले पर कोई परेशानी और ना लेने वाले पर कोई परेशानी आएगी। ये एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। और याद रखिए, ये बिल्कुल ये कानून बन चुका है, जो मदरसा रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, उसको अपना हिसाब पेश करना पड़ेगा। और डोनेट करने वाले का केवाईसी या डोनेट करने वाले का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फेल। और उल्टा आपको पेनाल्टी लगेगा, 30% पेनाल्टी देना पड़ेगा। जैसे आपके मदरसे में अगर 25,00,000 रुपए सालाना बजट है, 25,00,000 में से 5% तो माफ, 5% को अगर माफ किया जाए तो मुश्किल से 1,25,000 माफ हो जाएगा, बाकी 23,75,000 रुपए का 30% आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। इतनी बड़ी पेनाल्टी से अपने आप को बचाने के लिए मेरे भाइयों, डोनेट करने वाले का, और अगर नहीं आपके पास एड्रेस है, अता पता है, तो चावल कुआ के जितने भी वोटर है, जितने भी वोट देने वाले हैं, सबका वोटर आईडी आप जमा कीजिए, और हर एक के नाम पर वो जो चंदा दिया गया है, जिसने चंदा दिया, अगर मालूम नहीं तो उसके नाम पर चंदा ये करके और वही सबमिट कीजिए। मदरसे को इस मुसीबत से बचाने का ये एक तरीका है। याद रखिएगा, ये बात असल में मजलिस में नहीं कहना था, होना चाहिए कि मीटिंग में कहा जाए, लेकिन चूंकि आप हजरात हैं, हो सकता है कि कभी प्रेसिडेंट आपसे जाकर कहे कि भाई आप थोड़ा डॉक्यूमेंट दे दो, उस वक्त आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हैं कि मैं क्यों डॉक्यूमेंट दूंगा, पता नहीं क्या मुसीबत आएगी। कोई मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि मदरसे को और आप लोगों को, आप जैसे खैरखाहों को मुसीबत से बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। मेरी बात कुछ लंबी हो गई, तकरीबन 12 बजने के आसपास हो चुका है, 2-3 जो हैं गुंजाइश है। मेरे भाइयों, हमारे मदरसे के जो प्रिंसिपल साहब है, वो बतला रहे हैं कि क्या आप लोगों का निज़ाम है, कब तक क्या करना है। अच्छा, 1 बजे नमाज है और नमाज के बाद खाना है, तो नमाज थोड़ा मुकद्दम कर दीजिएगा अगर पहले ख़त्म हो जाता है। हाँ, वो तो करें, 2-3 मिनट में जब कह रहे हैं तो मैं एक बात कह के ख़त्म कर दूं। उस बात को हमारे शेखुल हदीस साहब ने बयान भी किया। मेरे भाइयों, इस्लाम मज़हब ये क़यामत तक रहेगा, हमारा और आपका इस पर विश्वास है, यकीन है। जब तक इस्लाम मज़हब है तब तक दुनिया है, जिस दिन इस्लाम मज़हब ख़त्म उस दिन दुनिया भी ख़त्म, हमारा और आपका इस पर विश्वास है। लेकिन इसके साथ साथ हालात भी आएंगे, परेशानियां भी आएगी, मुसीबतें भी आएगी। कुरान करीम ने बयान किया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यकूलर रसूल वल्लदीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम क्या सोचते हो कि आसानी से जन्नत में चले जाओगे, जन्नत में जाना आसान समझते हो? नहीं, जन्नत में अगर जाने की तुम ख्वाहिश रखते हो तो तुम पर परेशानियां आएंगी, तुम पर मुसीबतें आएंगी, तुमको इम्तिहान में डाला जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तुमको आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। यहाँ तक के पहले ज़माने के जो रसूल और नबी थे, उन पर, उनकी उम्मत पर इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत आई, तफसील का मौका नहीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे? ये जो क्रिश्चियन है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत मरियम,
मरियम के खालू थे हजरत जकरिया, मरियम की खाला का हस्बैंड हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बरगुजीदा नबी पैगंबर, कुरान करीम में इनका नाम भी आया। तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को उनके जमाने के लोगों ने, उनकी कौम ने पकड़ा, और पकड़कर लकड़ी चीरने वाला जो आरी होता है, आरा जो होता है जिससे लकड़ी फाड़ते हैं, क्या कहते हैं उसको भाई, करत। हाँ, तो ये जो करत होता है, आरी हो, आरा होता है, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बीच से बिल्कुल चीर दिया गया, फाड़ दिया गया। हत्ता यकूल रसूल वल्लदीन आमनु माहू, रसूल ने भी कहा, जिनका ईमान तो बड़ा मजबूत होता है, जिनके ईमान के सामने हमारे और ईमान में कोई पावर, कोई शक्ति और ताकत नहीं, इतने मजबूत ईमान वाले और उनके साथ रहने वाले, उनके साथियों ने कहा, ऐ अल्लाह इतनी मुसीबत, ऐ अल्लाह इतनी परेशानी, ऐ अल्लाह इतनी बड़ी आफत, मता नसरुल्लाह, अल्लाह आपकी मदद कब आएगी, ऐ अल्लाह आपका जानिब से हेल्प कब आएगा, आपकी नुसरत कब आएगी, हमारी परेशानियां कब खत्म होगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों, तारीख को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, और कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करो, अल्लाह के वास्ते कुरान को समझने की कोशिश करो। अगर आप उर्दू पढ़ना नहीं जानते, छोड़िए उर्दू, नहीं पढ़ना जानते हिंदी छोड़िए, आपके आसामी लैंग्वेज में, आसामी भाषा में कुरान का ट्रांसलेशन है, आसामी भाषा में कुरान की तफसीर है। इस मदरसे के जो सरपरस्त हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब, मुहद्दिस साहब, दामत बरकातहुम, खुद उन्होंने आसामी भाषा में कुरान का तफसीर करवाया है। अगर पहले जमाने की नहीं तो वही तफसीर कम से कम लाकर, और रोजाना एक पिश्ता, दो पिश्ता, दो पेज, चार पेज, पाँच मिनट कम से कम टाइम निकाल कर कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक ईमान मजबूत होगा। ये जो अजान के ऊपर पाबंदी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, या और जो इस तरह की बातें आती है, अच्छा अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर एक बात मुझे जहन में आई, याद आई, मैं बयान करके अपनी बात खत्म कर दूं। नबी की शान में गुस्ताखी को कौन मुसलमान बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं करेगा। मां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसका इसका हल और इसका मतलब, इस समस्या का समाधान यही है कि हम नारे तकबीर कहते हुए रोड पर चले जाएं, जुमा की नमाज से निकले, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रसालत या रसूल अल्लाह लगा लें, और नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसका बदला मिल गया? मेरे भाइयों, ये तो बेवकूफी और हमाकत का काम है। ये जो लोग जुलूस निकालते हैं, ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। अल्लाह ताला उन लोगों को सही समझ दे। एक शायर था, बेहतरीन शायर, पाकिस्तान में रहा करता था, बाद लोगों ने कहा हैदराबाद के नवाब के जमाने का एक शायर था, जिनका नाम अख्तर शीरानी था। और जो शायर लोग, कवि लोग होते हैं, गायक लोग होते हैं, सिंगर लोग होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा ही लेता है, मतलब ड्रिंक थोड़ा ज्यादा करते हैं वो लोग। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक जगह पर बैठे हुए थे, शोरिश काश्मीरी उर्दू के बड़े अदीब और साहित्यिक हैं, उन्होंने लिखा है कि वो जो अख्तर शीरानी शायर था, सिंगर था, कवि था, सिंगर मत कहिए, कवि कहिए, प्योर कवि था, उसने उस दिन दो बोतल ले चुका था, मतलब दो बोतल ड्रिंक कर चुका था। अब जो आदमी दो बोतल ड्रिंक कर लिया होगा, वो जमीन पर तो नहीं होगा, वो निश्चय आसमान में उड़ रहा होगा। वो बैठा हुआ है मजलिस में, उसके साथ दोस्त लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, किसी ने कहा कि अख्तर साहब, हिंदुस्तान का एक बड़ा शायर है जिसका नाम मिर्ज़ा गालिब है, आप उसके बारे में क्या कहते हो? अरे वो कैसा शायर, वो कुछ नहीं जानता। पूछा, अच्छा फलां के बारे में आप क्या कहते हैं? अरे वो अभी सीख रहा है, सीखने दो। कुछ लोगों का आलोचना समालोचना उनसे करवाया, चलते चलते बाद में हिम्मत करके एक लड़के ने पूछ लिया, नौज बिल्ला, मजलिस नापाक मजलिस थी, पीने पिलाने की मजलिस थी, ड्रिंक की मजलिस थी, लेकिन एक नौजवान ने मौका का फायदा उठाते हुए
और अख्तर शीरानी से पूछ लिया कि अख्तर साहब आप मोहम्मद साहब के बारे में क्या कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, एक मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, एक मुसलमान पापी हो सकता है, एक मुसलमान शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, एक मुसलमान जिना कर सकता है, चोर हो सकता है, बदमाश हो सकता है, लेकिन वो मुसलमान कैसा मुसलमान जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो। अख्तर शीरानी शराब पीकर नशे की हालत में था, दुनिया के लोगों के बारे में पूछ रहा था, मजाक उड़ा रहा था, इधर की उधर की बातें कर रहा था, मौके का फायदा उठाते हुए अख्तर शीरानी से पूछा कि अख्तर साहब आप मोहम्मद साहब के बारे में क्या कहते हैं। अख्तर शीरानी का ईमान जोश में आया और कहा, कह रहे कमबख्त, तुमको ये हिम्मत कैसे हुई कि नापाक मजलिस में नापाक जबान से तुम मेरे नबी का, मेरे प्यारे आका का नाम तुम मेरी जबान से निकलवाना चाहते हो, ये तुमको हिम्मत कैसे हुई। और पैर में जो जूता पहना हुआ था, जूता खोलकर और उस नौजवान की पिटाई करना शुरू कर दिया, पिटाई करना शुरू कर दिया। बाद लोगों ने लिखा कि पिटाई नहीं किया, बल्कि उनके दिल में ख्याल आया, अपने गुनाह का ख्याल आया, शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई, और उन्होंने रो रो कर कहा, अल्लाह अख्तर ने आज शराब पी रखा है, अख्तर आज नशे की हालत में है, अख्तर आज बिल्कुल दुनिया से गाफिल है, इसीलिए ये आदमी मेरे नबी की शान में मुझसे गुस्ताखी करवाना चाहता है। ऐ अल्लाह अख्तर ने ये गलती की, इसलिए इसको ये हिम्मत हुई, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ और कभी भी ये गलती नहीं करूँगा, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। पूरी रात रोते 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 गुजार दिया। बाद में पासपोर्ट बनवाया, उम्रे के लिए गए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाकर खूब रोया, खूब रोया, दिल से सच्ची पक्की तौबा की और कहा कि मेरे नबी मुझको माफ कीजिएगा, अगर मैं नशे की हालत में न होता तो वो नौजवान नापाक मजलिस में आपका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, आज के बाद से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद से मैं गुनाह नहीं करूंगा। मेरे नौजवान साथियों, हिंदुस्तान में कम से कम 15-17 करोड़ वरना 20 करोड़ मुसलमान है। नबी के शान में गुस्ताखी, माँ आयशा के शान में गुस्ताखी, क्या किसी एक आदमी ने ये कहा कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, ऐ अल्लाह मैं पापी हूँ, मुसलमानों के पाप की वजह से ये काम हो रहा है, ऐ अल्लाह आज के बाद से मैं गुनाह नहीं करूँगा, ऐ अल्लाह आज के बाद से मैं जुआ नहीं खेलूँगा, ऐ अल्लाह आज के बाद से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। एक मुसलमान ने शायद सच्ची पक्की तौबा न किया हो और नबी से मोहब्बत दिखाने के लिए रोड पर आ जाते हैं, नारे तकबीर का नारा लगाकर सोचते हैं कि हमने नबी की शान की लिहाज कर ली, हमने नबी की मोहब्बत का बदला दे दिया, ये बेवकूफ़ी है, ये हमाकत है, ये नादानी है। लड़िए उनसे जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है, लेकिन कैसे लड़ना है, आपको कानूनी तौर पर लड़ना है, कोर्ट कचहरी का सहारा लीजिए। आज दुश्मन तो यही चाह रहा है कि मुसलमान नौजवान हाथ में पत्थर लेकर रोड पर आ जाए और उसके बाद उसके ऊपर गोली चला दिया जाए, बाद में उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाए, मुसलमानों को आर्थिक एतबार से कमजोर कर दिया जाए। आसाम के मुसलमानों, मैं आप लोगों की तारीफ करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि यहाँ के मुसलमानों ने इस नाम पर कहीं जुलूस नहीं निकाला। यकीनन आप लोगों ने दुआएं की होगी, 2 रकात सलातु तौबा पढ़ के अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर कहा होगा कि अल्लाह हमारे गुनाह की वजह से ऐसा हो रहा है, अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा लीजिए। मेरे भाइयों, अगर इज्जत से इस मुल्क में रहना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, गुनाहों के काम से खुद भी बचिए, घर के लोगों को भी बचाइए, आसपास के माहौल को भी गुनाह और पाप के काम से बचाने की फिक्र कीजिए, मसाजिद मदारिस को आबाद कीजिए, उलमा के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कीजिए। सच्ची बात है, एक मजमून आया था अभी जो पिछले जुमा को फ्राइडे को जहां जहां भी हुआ, पहले से जुलूस का कोई प्रोग्राम नहीं, नमाज पढ़ के निकले, अचानक एक नौजवान ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर, सब ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तुम तहकीक करो वो नौजवान कौन था, तुम तहकीक करो, पूछो कि ये नारे तकबीर किसने लगाया, जब तहकीक करेंगे तो मालूम होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कोई मुसलमान था या कोई गैर मुस्लिम था।
राजस्थान की एक मस्जिद में एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा का मतलब 50-55 साल उम्र होगी, वो बड़ी लंबी सी दाढ़ी है, लंबा सा कुर्ता है, बेहतरीन अरबी रुमाल है, टोपी है, और वो नमाज पढ़ के निकल रहा है। बाद में जब उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि ये मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को रोड पर लाने के लिए हमारी मस्जिद में अचानक कोई गैर मुस्लिम आ जाता है और वो एक मरतबा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहा, गोरू का गोश्त खाकर हम लोगों का खून भी गर्म, एक नारे तकबीर पर 1000 नारे तकबीर का नारा लगना शुरू हो जाता है। किसी एक गैर मुस्लिम ने एक पत्थर चला दिया, उसको देख के किसी मुसलमान ने भी पत्थर चलाना शुरू कर दिया। मेरे नौजवानों, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो, अल्लाह के वास्ते बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, अकलमंदी के साथ इस मुल्क में रहने के लिए आपको हिकमत अमली, आपको इसके लिए मुस्तकिल तरीका सोचना पड़ेगा, और अकलमंदी के साथ रहेंगे तभी इज्जत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।